उधर हिमाचल में पठानकोट और साथ ही मंडी जिले को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल त्रिलोकपुर और साथ ही 32 मील के पास जाम की समस्या से पिछली बरसात के बाद से लगातार जारी है, क्योंकि पिछली बरसात में इस सड़क मार्ग का आधा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया था। वहीं इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर धीमी गति से निर्माण कार्य होने से भी लोग खासा नाराज हैं। एटलीस्ट ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और थोड़ा सा सब्र रखा करें। एक ओवरटेक करने के कारण एक एम्बुलेंस पीछे फंस गई, जिसको रास्ता भी नहीं दे रहा है, तो ट्रैफिक रूल थोड़ा सा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।